सूबे दंगे के बाद आज शुक्रवार को जुमे की पहली नमाज हो रही है। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। हालांकि इसके बाद भी यूपी के 3 शहरों से नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन की खबरें हैं। प्रयागराज में नमाज के बाद भीड़ ने प्रोटेस्ट किया है। मुरादाबाद में उग्र भीड़ ने नुपुर शर्मा को फांसी दो की तख्तियों बैनर के साथ प्रदर्शन किया। सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगे। दहशत में आसपास की दुकानों के शटर गिर गए। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर भारी पुलिस बल तैनात है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। शहर में गुरुवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर्स पीओ समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी 4 सेंटर समेत 6 कंपनियां पीएसी की तैनात है। एडीसीपी पश्चिम चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने बताया कि जुम्मे की नमाज को लेकर राजधानी लखनऊ को 9 जून 36 सेक्टर में पाटा गया है। कानपुर में बेगनगंज के 3 किलोमीटर के दायरे में 9 कंपनी पीएसी में 800 जवान, 3 कंपनी आरएएफ में 375 जवान, 7 कंपनी क्विक रिस्पांस टीम में 75 जवान और पुलिस के 3000 जवानों के तैनात होने की शांति है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के लिए 100 से ज्यादा लोगों की टीम लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।